हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो आपके पास चैप्टर है वो है सेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको सेट्स चैप्टर ही पढ़ाने जा रही हूँ। पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, सेट्स के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास सेट्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। और 11th का सिलेबस देखिए 9th 10th के सिलेबस से डिफर है थोड़ा। ये नहीं कि आपने जो वहां पे पढ़ा हुआ है आपको एज इट इज यहां मिलेगा, थोड़ा सा अलग है। तो कंसंट्रेशन से और अच्छे आप अच्छे से पढ़ते हैं, अगर रेगुलरली स्टडी करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपका सिलेबस हो सकता है। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं सेट की। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है हमें, तभी हम जो कलेक्शन दे रखे होंगे ऑब्जेक्ट्स के बता पाएंगे वो सेट है या नहीं है। ओके, सबसे पहले इसमें एक वर्ड दिया हुआ है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का हम अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग मीनिंग देखें तो होता है कि जो अच्छे से डिफाइंड हो। ओके, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में वेल डिफाइंड का मीनिंग जो हम देखते हैं वो क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म में वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा कि एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ध्यान से सुनिए, ऐसा कलेक्शन, अ कलेक्शन विच डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन, वेरी मतलब चेंज। एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कैसा कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको करना है कलेक्शन ऑफ वोवल्स, हमें वोवल्स का कलेक्शन करना है। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वोवल्स हमें कितने बताए जाते हैं? 5 ही बताए जाते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ही वोवल। अब ये जो कलेक्शन है वोवल्स का, क्या ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है या सेम ही रहता है? सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। और एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही एक सेट होता है। तो ये क्या है? एक सेट है, ये सेट हो गया। तो ध्यान से सुन लीजिए, वेल डिफाइंड का मीनिंग है वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ वोवल्स हमने लिया, कलेक्शन ऑफ वोवल्स वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होता। दुनिया में किसी भी पर्सन से आप पूछ लो जाकर कि हमें कलेक्शन ऑफ वोवल्स चाहिए तो वो यही बताएंगे, इसके अलावा वोवल्स नहीं बता सकते। तो ये कलेक्शन थ्रू आउट वर्ल्ड सेम रहता है, देन इस कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। ओके, नाउ कुछ और एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, जैसे वेल डिफाइंड कलेक्शन के जो कि सेट हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 16, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 16। तो कलेक्शन हमें देखने हैं सारे प्राइम नंबर्स के लेस देन 16। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16 प्राइम नंबर नहीं है, देन क्लोज।
तो ये जो कलेक्शन है ये सारे उन प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है जो लेस देन 16 है। अब ये बताइए क्या ये कलेक्शन चेंज हो सकता है या सेम ही रहेगा? पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? नहीं होगा, सेम रहेगा। तो ये कैसा कलेक्शन हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या हुआ? सेट हो गया। ओके, समझ में आया? अभी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ ऑल मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी। आपके लाइब्रेरी में जितनी भी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, हमसे पूछा गया है कि वो कलेक्शन एक सेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब जैसे आपकी क्लास में से स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में भेजा गया और बोला गया कि जितने भी बुक्स वहाँ पे मैथ्स की रखी हुई हैं उन सभी के नाम नोट करके हमें लाने हैं, तो ये बताइए कि आप सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नाम नोट करके लाएंगे या अलग अलग नाम नोट करके लाएंगे? एक जैसे नाम नोट करके लाएंगे कि जितनी बुक्स हैं उन सभी के नाम नोट कर देंगे आप। जैसे कोई आरडी शर्मा की मैथ की बुक है, कोई एलिमेंट्स की है, कोई एनसीईआरटी की है, किस क्लास की है, इस अकॉर्डिंग पूरा परफॉर्मा हमारा रेडी हो जाएगा। क्या सभी का परफॉर्मा मैच करेगा? करेगा। तो ये कलेक्शन हमारे पास जो है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ है। तो ये कलेक्शन कैसा हुआ? दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है देन दिस इज द सेट। ओके, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, जैसे हमने लिख दिया कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका बताना है हमें ये सेट है या नहीं है। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं, देखो पॉजिटिव होने चाहिए सबसे पहले बात, तो इंटीजर्स होने चाहिए और वो इवन होते हैं। इवन कौन से? जो टू के मल्टीपल होते हैं। तो ये कलेक्शन में कौन कौन से हमारे पास मिलेंगे? टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, काफी मिलेंगे। डॉट 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 लगा के हम क्लोज कर देते हैं। ओके, ये लिखने का तरीका होता है कलेक्शन को जो आपको समझाया जाएगा अच्छे से। ओके, तो कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये कलेक्शन तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता है, सभी लोग यही तो कलेक्शन बताएंगे जिसे भी पूछा जाए। तो ये कैसा कलेक्शन हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या हुआ? एक सेट हुआ। ओके, नाउ अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूं जो हमारे पास किसी पर्सन की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। ओके, जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सपोज हमने ये लिया कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास या इन योर स्कूल, कुछ भी आप ले सकते हो। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन करना। उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा? अब देखिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास टीचर्स हैं, एक केमिस्ट्री की टीचर हो गई, एक मैथ्स की टीचर हो गई। ओके, नाउ केमिस्ट्री के टीचर के अकॉर्डिंग वो बच्चा इंटेलिजेंट है जो केमिस्ट्री में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और मैथ्स के टीचर के अकॉर्डिंग वो बच्चा इंटेलिजेंट है जो मैथ्स में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि केमिस्ट्री में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे वो स्टूडेंट मैथ में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है ना? तो मैथ्स के टीचर के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं हुआ। तो ये जो कलेक्शन हम बना रहे हैं कि केमिस्ट्री के टीचर के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ज़रूरी नहीं है वो स्टूडेंट मैथ में भी अच्छा हो। तो मैथ्स टीचर के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। समझ में आ गई बात आपको कि
जो बच्चे केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वही बच्चे सारे मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करें। तो टीचर टू टीचर हमारा कलेक्शन चेंज हो रहा है। अगर टीचर टू टीचर पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज होता है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता, और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो एक सेट नहीं होता। तो ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन है ये कलेक्शन नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, देन दिस इज नॉट अ सेट। तो ये एक सेट नहीं है, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स। अब ये कलेक्शन क्या हमारा वेल डिफाइंड होगा? जरूरी नहीं है। गुड प्लेयर्स पर्सन टू पर्सन, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है, तो पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन चेंज हो रहा है ना, सेम तो नहीं हो रहा। तो पर्सन टू पर्सन अगर कलेक्शन चेंज हो तो वो कलेक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कलेक्शन भी हमारे पास क्या है? नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज नॉट अ सेट। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ रिच पीपल, कलेक्शन ऑफ रिच पीपल, क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं। क्यों? मेरे अकॉर्डिंग रिच पीपल वो है जो मुझसे ज्यादा अमीर है। किसी और से पूछे तो हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा अमीर हो और उससे भी अमीर रिच पीपल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कलेक्शन भी पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। मेरे अकॉर्डिंग रिच पीपल वो जो मुझसे ज्यादा अमीर है, जो मुझसे ज्यादा अमीर है उसके अकॉर्डिंग रिच पीपल वो जो उससे भी ज्यादा अमीर है। तो हम दोनों का ही कलेक्शन चेंज हो गया है, सेम नहीं हुआ है, देन दिस इज द नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन, देन दिस इज नॉट अ सेट। तो समझ में आया आपको? ओके, तो हमारे पास ये है सेट की डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जांपल। डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी तभी आप इसके एग्जांपल्स कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे एक है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर जे, लेटर जे से जो मंथ हैं वो स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन। जनवरी, इसके बाद हमारे पास क्या मिला? जून, जुलाई, ये तो वेल डिफाइन है क्योंकि किसी से पूछो यही बताएंगे। तो ये कैसा हुआ? वेल डिफाइन कलेक्शन हुआ, और ये क्या हुआ? एक सेट हुआ, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो बॉयज है उनका कलेक्शन, ये भी तो वेल डिफाइंड है। आपकी क्लास में जो बॉयज होंगे आप बता दोगे कितने बॉयज हैं और सभी सेम बताएंगे, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। तो ये क्या हुआ? एक सेट हुआ। तो ये क्या हुआ? एक सेट हुआ। आई थिंक इतने एग्जांपल्स काफी हैं समझने के लिए आप लोगों के लिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वो सेट होता है, और जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए वो हमारे पास क्या होता है? सेट नहीं होता। मेनली जो जहाँ पे क्वालिटीज आ जाती हैं पर्सन की, उससे जो कलेक्शन बनता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो वो सेट नहीं होता। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नोटेशन फॉर सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही, नोटेशन फॉर सेट्स। कि सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? हमने जैसे यहाँ पे लिखा है, कर्ली ब्रैकेट्स बना बना के हमने लिखा है, इनकी कुछ नेमिंग तो होनी चाहिए ना। ऐसे जो ना बस इनको ऐसे लिखते रहेंगे हम, कुछ नेमिंग होनी चाहिए। तो नोटेशन फॉर सेट्स हमारे पास, अगर हम सेट्स को डिनोट करते हैं तो कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं।
ए बी सी डी एटसेट्रा कितना भी आप ले सकते हैं। सेट्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, ओके। और उसके अंदर जो लिखा जाता है, सपोज हमने लिख दिया है ऐसे, मैंने एक वॉवल्स का सेट लिखा है, तो ए ई आई ओ यू ए वॉवल्स लिख दिए, तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ अ सेट, इनको एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। तो सेट की नोटेशन कैपिटल अल्फाबेट से होती है, लेकिन जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से लिखे जाते हैं, ठीक है ना, स्मॉल अल्फाबेट से लिखे जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज भी डाल सकते हैं, अल्फाबेटिक भी डाल सकते हैं, जो भी सेट पूछा गया उस अकॉर्डिंग। नाउ कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं हमारे पास जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कंप्लीट, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे डिजिट्स इसमें आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स इसमें आते हैं, फ्रैक्शन की कोई भी डिजिट इसमें नहीं होती है, फ्रैक्शन नंबर नहीं होता, 4/5, 3/4 ये सब इसमें नहीं होते हैं, कंप्लीट डिजिट ही इसमें होती है, ओके। तो ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकेंड है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। नाउ होल नंबर जो होते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें भी हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आता है, रूट के नंबर्स भी नहीं आते हैं, रूट के नंबर ना तो नेचुरल के सेट में आते हैं ना होल नंबर में आते हैं, कंप्लीट डिजिट्स ही आती हैं बस इसमें, 0 से स्टार्ट हो जाता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि होल नंबर में एक डिजिट एक्स्ट्रा होती है 0, जो कि नेचुरल नंबर में हमें नहीं मिलती है। थर्ड हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट जो डिनोट होता है वो हमारे पास डिनोट होता है जेड से या फिर आई से, ठीक है, जेड या आई, इन दोनों से इंटीजर्स का सेट हम डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, सभी तरह की डिजिट इंक्लूड होती हैं, फ्रैक्शन वाली नंबर्स इंक्लूड नहीं होती हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी यहाँ तक, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 सारे डिजिट्स हैं, फ्रैक्शन वाले डिजिट्स इसमें नहीं मिलेंगी आपको, कंप्लीट डिजिट्स ही मिलेंगे इसमें आपको, लेकिन नेगेटिव ही मिलेगा। नेचुरल नंबर में 1 से, होल नंबर में 0 से, इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, ये सभी आते हैं। तीनों में फ्रैक्शन नहीं आता है, ना इरेशनल नंबर कोई भी आता है, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि जब हम इसके आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कहां से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ये इसमें हमारे पास एलिमेंट किस फॉर्मेट में होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में, वेयर कंडीशन क्या होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड और कंडीशन क्या होती है कि p और q कहां से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से। पूरा ये रैशनल नंबर का सेट है, इसका फॉर्मेट ये रहा, p अपॉन q फॉर्मेट में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p बाय q बिलोंग्स टू z, q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया देन ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, एंड नॉट डिफाइन तो कहीं भी इंक्लूड नहीं होता, ओके। तो पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, ये हो गया रैशनल नंबर्स। इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, फ्रैक्शन
सब आ जाएगा इरेशनल छोड़ के, ठीक है, जो रूट वाले नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसमें सभी तरह के नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, रूट, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर आप ले लीजिए कि आपके पास आ गया माइनस वन बाय टू आ गया, देन हमारे पास मिला जीरो, देन हमें मिला वन बाय टू, देन वन मिला, ओके, इसके बाद हमें रूट टू मिल गया है, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, इरेशनल, सब कुछ। तो रियल नंबर का जो सेट होता है, जो आपको पढ़ाए गए हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल, इनमें से सबसे बड़ा सेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें सभी जो हमारे पास सेट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं सी से, जो कि पूरा एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का 11th क्लास में, जो आपको पढ़ाया जाएगा, तब डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसमें किस तरह के होते हैं, a प्लस आइटा b करके होते हैं हमारे पास, a और b जो होते हैं वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, a प्लस आइटा b, ये भी बिलोंग टू रियल नंबर। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस हम नहीं करें, पूरा चैप्टर है तभी बताया जाएगा इसके बारे में, ओके। तो इस तरह से ये, अब देखिए जितने भी सेट मैंने आपको बताए हैं सभी की नोटेशन कैपिटल अल्फाबेट से लिखी, अंदर एलिमेंट्स लिखे गए हैं, न्यूमेरिकली है तो न्यूमेरिकली लिख दिए गए हैं, कोई अल्फाबेटिक आता है तो अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट यूज करके लिखा जाता है, ये लिख दिया है हमने, ओके। ए भी रियल नंबर है तो 3 प्लस आइटा बी, 3 प्लस में 4 आइटा, सब कुछ चलता है इसमें। तो इस तरह से आपके पास सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी बताई गई है, ओके। तो आज एक बार आपको इतना ही करवाया जा रहा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बता देती हूँ, आपको क्वेश्चंस सेंड कर दिए जाएंगे, वो आप एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा, सेट से रिलेटेड हैं, कि आपको बताना है कि वो कलेक्शन सेट है या नहीं है। पहले देखिएगा वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है तो सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है, ओके। थैंक यू सो मच।